hello everyone welcome back to the channel and we are starting with the news analysis for 2nd of january 2024 so firstly we see gst revenue growth it dips to a three month low in december but uh, when we look at the average performance of the average collections of the gst revenue growth so it has been somewhere around 1.5 lakh crores so which is a substantial amount and this we we can uh, take this point as in we can when we talk about the effectiveness of the gst and so here we know that gst is an indirect tax so Predna, indirect taxes are progressive or regressive in nature manji totally skipped my mind i cannot recall sorry okay divya regressive रिग्रेसिव कैसे रिग्रेसिव होता है वो सभी पे इम्प्लीमेंट होता है जितना भी जैसे परसेंट है अगर जीएसटी में फाइव स्लाइड्स है तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें कोई भी परचेज कर रहा है चाहे वो कितना ही रिच है फिर कितना ही पुअर है तो वो सभी के लिए अपने एप्लीकेबल होगा उतना ही परसेंट राइट ठीक है ओके okay, सो so यहाँ पे हम अगर बात करें कि और क्या पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं जीएसटी के रिगार्डिंग तो क्या बोलोगे आप बोलो जीएसटी में हम बात करते हैं ना पेंडिंग रिफॉर्म्स सो एक तो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन है कि जीएसटी अभी जैसे फाइव टैक्स लैब्स हैं तो या तो टैक्स लैब्स कम होनी चाहिए या सिंगल रेट ऑफ जीएसटी होना चाहिए जो कुछ कंट्रीज में है सेकेंड इज जीएसटी ट्राइबूनल वो बना दिया गया जो है, GST that is also in the form of पावर्स हैं जीएसटी काउंसिल की दैट इज आल्सो डिबेटेड इन द फॉर्म ऑफ की ज्यादा पावर्स दे आर इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर कंपेयर टू द स्टेट्स तो दिस आल्सो इज समेयर डिस्टोर्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर तो दिस इज देअ जब हम बात करते कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स कौन डिसाइड करता है तो इट इज देंटर सो दीज आर समूज रिगार्डिंग जीएसटी दैन एक्सपो सैट वॉट इज एक्सपो सैट प्रेरणा

आंध्र प्रदेश में एग्जैक्ट लोकेशन इसके अराउंड कौन सी लेक है एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं मतलब ऐसे पूछ रही हूँ तो हमने इसको डिस्कस भी किया था कि इसके अराउंड एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक है पुलीकट लेक इज देर तो विच इज अ ब्रैकिश वाटर लेक एंड इट इज लोकेटेड क्लोज टू श्री तो ये के लिए लॉन्च किया गया है, जो मिशन लॉन्च किया गया था एंड इस इसमें okay. इस और भी इम्पोर्टेंट डिटेलिटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज दिस वुड बी लॉन्च एंड एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सरेक्ट्रो स्पोकिंग इन टाइमिंग सो दिज इज बीन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट सो रमन इफेक्ट हमने बात करी थी वॉट इज रमन इफेक्ट इंटर लाइट जैसे प्रिज्म होता है उसके पर जो लाइट करवाते लाइट फॉल पड़ती है तो जो विविक्योर बनता है उसकी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसके बारे में बताता है कि क्यों अगर हम देखते हैं वाटर का और स्काई का कलर ब्लू होता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसकी वजह से और टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है अदर टेक्नोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है रमन इफेक्ट ठीक है तो टर्म एग्जैक्ट जो हम यूज करेंगे होता है है। और जो आपने किया वाला वो है। so, individual कौन से के इसमें ये रिफॉर्म किया गया था पहले ऐसा नहीं होता था कि आप इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो तो गोल्डी बिलीव दैट ही इज बेस्ड इन कैनेडा एंड ही इज बिन डिक्लेयर एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट अंडर द यूएपीए एक्ट सो ही इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज जो हम बात करते हैं खालिस्तान is का जो इशू है सो दैट्स दाल इट इज़ अलेज कि ही इज लिंकड विद बबर खालसा इंटरनेशनल कम ने बात करी थी कि दिस बॉडी और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो बिन अ टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सो क्रॉस बॉर्डर एजेंसी है एंड इन्वॉल्व इन मल्टीपल किलिंग्स इन प्रोफेसडर रेडिकल आइडियोलॉजी

ट्रैफिक मैनेजमेंट में के साथ साथ की जा सकती है, है उत्तराखंड अगर, अगर का, का, का वहां पर इतने दो दो तीन तीन दिन से ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं तो उनके लिए थोड़ी अवेयरनेस की जा सकती है कि कोई भी प्लेस है उसके लिए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स की ही वो की जा सकती है उसकी भी एक लिमिट होगी तो उसको या तो इंक्रीज किया जाए उसके थ्रू किया जा सकता है या फिर कोई और रूट को चूज किया जाए बजाय जो जहां जा रहे हैं उसके बजाय ये चीजें की जा सकती है ट्रैफिक मैनेजमेंट थोड़ी पीपल्स के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए तभी सोल्व होगी हाँ और इसमें जैसे आ, पासिस वाला सिस्टम है कि परमिशन आपको पहले ही लेनी पड़ेगी जो नंबर ऑफ टूरिस्ट का भी हम बात करते हैं टूरिस्ट कैपेसिटी हिल स्टेशन के लिए जैसे इवन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि you have to know कि एक हिल स्टेशन में कितने टूरिस्ट आप मैनेज कर सकते हो so accordingly वो उसको मैनेज करना इम्पोर्टेंट है even from the perspective of environment एंड hill stations and यहाँ पे भी we can go for that system also and management of traffic uh, is also important usme hum uh, definitely cctv cameras or parking space jo ek bahut bada issue ho jata hai fir so this is the problem and even metro mein bhi we saw ki there was like huge crowd तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कैपेसिटी कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको तो जितना सिस्टम और डिजिटाइज होगा उतना भी ईज ऑफ कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकते हैं ड्यूरिंग दीज रश आवर्स द्कल्स हार्टीज so, कम्युनिटी हमें कहाँ मिलती है प्रेरणा विद स्टेट हिमाचल हाँ हिमाचल प्रदेश में सो देर डिमांड इज कि उनको स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए सो दिस स्टेटस जो पावर है इट लाइज विद दार्लियामेंट

so जो term हर्ती है, it is also used to describe people already classified as scheduled cast also. so this is there and ठीक है, तो यही important point है कि power lies with the parliament. also मानसी Ji, this is under article three forty two and there are over three over seven thirty scheduled tribes in India. okay.

डिजाइन सो डिजाइनिंग में सस्टेनेबिलिटी वी कैन लुक फॉर की लाइक जैसे आज के टाइम में जो ब्रिक्स यूज होती है दे आर एश वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया एंड डिजाइनिंग में सस्टेनेबिलिटी डिजाइनिंग में सस्टेनेबिलिटी लाइक वर्टिकल गार्डन्स कैन भी प्रमोटेड एंड रूफ टॉप गार्डन दे कैन बी ऑल्सो प्रमोटेड एंड जैसे कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स जो होती है वी सी के बाहर से दे आर ग्लास्ट तो देट इज नॉट सस्टेनेबल डिजाइन

हाँ वेस्ट मैनेजमेंट और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हाँ लोकेशन बट हाँ यहाँ तो डेवलपर की बात कर रहे हैं ना तो उस पर्सपेक्टिव से और क्या हो सकता है हाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पिट्स दे कैन बी मेड कंस्ट्रक्शन और इसमें जी, हाँ जी आपने पॉइंट बोला ग्लास से ग्लोबल वार्मिंग आई डेंट अंडरस्टैंड इट डोंडरस्टेंड जो ग्लास से रिफ्लेक्शन होती है सन रेज की तो उससे जो रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है जैसे हम बात करते हैं कि इवन सपोज uh, uh, जैसे कार्स में बात पर उसमें इतना रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट नहीं होता तो इसमें जो मिरर्स वाला है ना रिफ्लेक्ट होती है आप उसको सर्च करके देखोगे एग्जैक्टली exactly मैकेनिज्म आ जाएगा बट वो एक मतलब मेजर इशू होता है ये तो ऐसा होता है ना कि ग्लास तो अंदर ट्रैप कर लेते हैं जैसे गाड़ी भी होती है तो फिर अंदर ट्रैप तो करता है ना बाहर से ट्रांसपेरेंट ग्लास के केस में होते हैं यहाँ पे नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्रांसफरिंग क्लास में जो आपने बोला वो कार्ड्स के केस में होता है ओके गाइस यू कैन लुक फॉर दैट एंड शेयर इन द ग्रुप सो जगन्नाथ पुरी टेंपल ड्रेस कोड कम्स इनटू इफेक्ट एंड नो शॉर्ट स्कर्ट्स एंड स्लीवलेस ड्रेसेस सो इस पे क्या बोलोगे आप दिव्या आई थिंक कल्चर से रिगार्डिंग और जैसे रिलीजियस वो है तो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है ताकि किसी की रिलीजियस भावना हाथ ना हो उस चीज को लेकर काफी बार देखने के लिए मिला है कि उसके रिगार्डिंग पी भी की जाती है कि इस तरह की चीजें ना हो केदारनाथ में भी ऐसा करने के लिए बोला गया था कि ड्रेस कोड और जो फॉर्म्स है या इन चीजों को लाने का मना कर दिया जाए ताकि वहां की जो मैं, उसको मैनेज किया जा सके

एंड डी टी जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ है एंड इट इज ऑल्सो असोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा in mumbai objects to construction of shivaji म्यूजियम on land they live on तो क्या ये जस्टिफाइड है मतलब जहां पे वो रह रहे हैं उनको वहां से शिफ्ट करके या उनको वहां से निकाल के आप शिवाजी म्यूजियम क्रिएट कर रहे हो क्या और कोई ऐसी लोकेशन नहीं है ऑल्टरनेट लोकेशन या जब आ, अगर बात आती है कि अगर वहीं पे बनाना है म्यूजियम तो रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्राइब्स के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं सो सिंस द शिवाजी म्यूजियम प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड इन 2023 देयर हैव बीन सेवरल विजिट्स बाय महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट along with the police so PSLV C58 mission is a symbol of the demands being made of ISRO so, we've talked about distinction between PSLV and GSLV also, Polar Satellite Launch Vehicle and Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. So, two missions of ISRO, they've been launched in the last five months after the success of Chandrayaan-3 mission, EXPOSAT, we discussed. And so, it would be to study the polarized X-rays which are emitted in astrophysical phenomenon. phenomena. So, this is there and it is a two-part mission.

सो so, एक्सरेस की हाई वेवलेंथ होती है कि लोअर वेवलेंथ एंड अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो हाई होती है हम्म ठीक है गामा रे उसके बाद फिर एक्सरे होता है फिर अल्ट्रावायलेट हो गया फिर नॉर्मल विजिबल लाइट उसके बाद इंफ्रारेड गे गे। हो गया उसके बाद माइक्रोवेव हो गया ऐसे करके वेवलेंथ के हिसाब से ठीक है अगर फिर मतलब आपने बोला वेवलेंथ हाई होती है ना कम फ्रीक्वेंसी है मतलब वेवलेंस e का हां ये दोनों इनवर्स हाँ, हाँ, होते हैं इनवर्स होते हैं ठीक है अब ये ले लो कि इंपॉर्टेंट ऑफ द C58 मिशन तो PSLV C58 है हम्म ये लॉन्च व्हीकल हाँ, है हम्म और एक स्टेज इसके अंदर में तो for... PSLV C58 इट विल हेल्प टू इट रिप्रेजेंट अ यूनियन ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द प्रोफेशनल साइंटिस्ट एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ द साइंस एंड इंडिया प्राइवेट स्पेस सेक्टर स्पेस फ्लाइट सेक्टर तो स्पेस फ्लाइट सेक्टर के लिए इन स्पेस और एनएसआईएल जो हमने बात करते हैं। hmm. इन स्पेस हो गया कि वो प्रमोट करते है विथ रिस्पेक्ट टू दोर कॉर्डिनेशन बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड इसरो और एन एस आई एल हो गया कि वो कमर्शलाइज करते हैं इसरो का जो भी डिमांड होता है विध रिस्पेक्ट टू तो आप कितने सैटेलाइट को आप भेजोगे तो उसके हिसाब से जीएसएलबी पीएसएलबी में बाकी कंट्री सर कोऑर्डिनेट करके आप भेजते हो तो वो कमर्शलाइजेशन ऑफ द इसरो एनएसआईएल दिखता है तो ये दिखाएगा दो कमेंट्रेशन तो इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन अगर हम रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज की बात करते हैं इंडिया एंड यहाँ पे साउथ कोरिया की बात होगी तो क्यों वो इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए साउथ कोरिया के साथ रिलेशन और साउथ कोरिया इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट रिप्रेजेंट द पीवट ऑफ द इंडो पैसिफिक उस तरफ में और जो साउथ चाइना सी के बगल में और दूसरा चीज है कि जो साउथ कोरिया है इट इट इज हैविंग अ टोटली डिफरेंट गवर्नमेंट फ्रॉम द नॉर्थ कोरिया तो एक जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन दिखता है विद इंडिया नॉर्थ कोरिया का दिखता है विद चाइना तो वो एक दिखाता है दूसरा कि साउथ कोरिया का ब्रांड अपना कल्चर स्पय के पॉप के ड्रामा हो गया वो हेल्प करेगा इंडिया को कैसे आप अपना ब्रांड मैनेज कर सकते हो वर्ल्ड वाइड विध रिस्पेक्ट टू बॉलीवुड हो गया फिर फिर म्यूजिक हो हो गया फिर हो गया क्यूजिन एक्सेट्रा दूसरा फिर बोल सकते हैं कि साउथ कोरिया का डिफेंस पैक्ट जो यूएस के साथ है तो वो इंडिया को स्टडी करने का मौका मिलेगा लॉन्ग टर्म में क्या इसका है सोसाइटी के अंदर में खेलती है कि नहीं तो ओवरऑल और...

उंट तो बोध नेक्सप्लिटीज फॉर कोऑपरेशन टेक्नोलॉजिकल कोलेबोरे अगर हम बात करें तो So even coordinated efforts to counter terrorism align seamlessly with the shared concerns of India and South Korea. So even jab India baat hai, global level pe bhi, ki counter terrorism ya, terrorism ki definition. Honi it is important you know, all countries, they need to be on the same page when talking about countering terrorism. Otherwise, it is very difficult to uh, win over terrorism. So South Korea and India they are on the same page as far as countering terrorism is concerned. And significant maritime interest both the countries have in Indian Ocean also not just in Indo-Pacific uh, Indo-Pacific although Indian Ocean is a uh, part of Indo-Pacific so specifically yeah. South Korea a is important so peacekeeping exercise baat kar liye, and hum humanitarian assistance and disaster relief also demonstrate the shared responsibility of both the nations so widening war. मानसी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कैपिटल कौन से है फिर नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग तो इंडिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में क्या एरियाज में कोऑपरेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू मानसी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया तो बात कर दीजिए नॉर्थ कोरिया के साथ

और उनके बाकी तो नॉर्थ कोरिया तो पूरे ब्लॉक के अंदर में चाइनीज ब्लॉक के अंदर में हाँ पूरा बिल्कुल एसीबीएम से करके मिलिट्री एयरक्राफ्ट से लेकर के आर्मी पेंशन सब चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर में आते हैं तो वो सब एर तो नहीं हो सकता अभी प्रेजेंटली तो हाँ अगर हम पॉलिटिकली बात करते तो नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप वहीं पर अथॉरिटेरियन Mm -hmm. से भी ऊपर है अथॉरिटेरियन से भी ऊपर है डिक्टेटर से भी एक ah, तरह तो, से डिक्टेटरशिप ठीक mm. है और आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इनकी mm, ठीक है वाइडनिंग वॉर तो ये दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक पहले हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा देन वी सो अगेन वॉलटाइल सिचुएशन एंड वॉर हमस और जराइल के बीच में ऑल दो पहले सिविल वॉर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी बट इट हैज मतलब कि ज्यादा फोकस हम हमेशा वो बात हो रही थी इजराइल पैलेस्टीन की या फिर रशिया यूक्रेन की तो जहाँ यमिन में जो था उसकी कोई बात ही नहीं हो रही थी तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की अभी जो हूतीज ने अटैक्स किया है रेड सी में विच इज ऑल्प्रेडो तो यू एस शुड नॉट सी एज अ कंसर्न इंडिपेंडेंट ऑफ गाज़ा वॉर वो यही है कि इट इज समय दैट ऑल्सो तो दैट इज इट इज ये जो टर्म है इट इज वाइडिंग टू अदर एरिया उस वॉर का इन्फ्लुंस बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है टेंट जोग्राफिकल लोकेशन हमने बात कर लिया है वैसे बाबल महानदेव स्ट्रेट गल्फ ऑफ अकाबा गल्फ गल्फ ऑफ एडन पता होना चाहिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका पता होना चाहिए रेड सी स्वि कैनाल एग्जैक्ट लोकेशन सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अराउंड दिस रीजन एंड सो इवन इंडिया की जो चैम्प्रूटो जो शिप्स हैं उनपे भी ड्रोन अटैक हुआ है तो दैट इज ऑल्सो समेयर पार्ट ऑफ दिस ओनली एंड अरेबियन सी तो रेड सी कनेक्ट टू सीज एंड ट्रेड इंडिया का अगर हम ऑयल ट्रेड की बात करते हैं तो फोर्टी परसेंट ट्रेड इंडिया का इसी एरिया से आता है रेड सी से जो ट्रेड होता है तो आफ्टर दैट वी है सो यू एस लेट टास्क फोर्स नो रेड सी बेस इन कंट्री है इजिप्ट इजिप्ट ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो इस पूरे एरिया में इजिप्ट का रोल बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इवन जो इसराइल हमसे कॉन्फ्लिक्ट या वॉर है उसमें भी इजिप्ट के रोल की हमने बात करी थी कि इजिप्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है हमने बात करी कि जब हम आ, बात करते हैं रेफ्यूजीज की तो रिफ्यूजीज के परस्पेक्टिव से ह्यूमानिटेरियन एट के परस्पेक्टिव से एंड हमने देखा है कि जब ने बात करी है कि ट्रूस होना चाहिए सीज फायर होनी चाहिए एज फार एज द इजराइल हम एस वॉर इज कंसर्नड बट अभी वो बात ही की है दैट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एंड इवन रेगुलेशन ऑफ द स्विस कैनाल ट्रैफिक उसमें इजिप्ट का सबसे मेजर रोल है डेडा so, ये हमें पता होना इम्पोर्टेंट है कहां सी को बाबुल महादेव स्ट्रेट नैरोस्ट पॉइंट पोर्ट ऑफ होडेडा एंड फ्रॉम दिस तो बात अब यही आती है कि यूएस लेट जो यहाँ पे टास्क फोर्स है और रेड बेस कंट्रीज ने उनको ज्वाइन नहीं किया है तो इसका क्या यूटिलिटी बचा अगर बाकी कंट्रीज ने ज्वाइन नहीं किया इस एफर्ट को तो कहीं ना कहीं ये यूएस की हैज दिखा रहा है इस एरिया में भी अरेबियन सी में भी जहां पे कैन यूएस इज नॉट अ लिटोरल कंट्री बट स्टिल यूएस लेट टास्क फोर्स एंड जो यूएस के पास यूएस के पास एक तरह से ब्लू नेवी है तो कहीं भी इंटरवीन कर सकते हैं तो मिलिट्री माइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो यूएस का ऐसा रोल ही शुरू से सफर है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ देखा जाए तो तो आई थिंक प्रॉस्पेरिटी गाजिन नाम है उसका अल्टीमेटली hmm. The... जो येमेन इशू था हुती वो स्टार्टिंग कैसे हुआ मानसी मतलब अगर देखा जाए येमेन में हम लोग तो बात कर रहे हैं कि रिपरकेशन का बात कर रहे हैं हाँ. हम्म लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ क्या इशू था येमेन में जनरली शॉर्ट में।, में जो लाइक गवर्नमेंट Uh, उस टाइम पे जो थी थिंक वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा था कि डेमोक्रेटिकली ट्रांसपेरेंटली फंक्शन नहीं कर रही थी जो इलेक्शंस हुए थे उनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जो थी, की, की. तो हुथीज ने तो, is... हुथी तो, हुथी तो अटैक किया ना देन गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट थी, थी तो कि हुथी रेबल तो बता हैं इसमें जो ह्यूथी है ना वो जनरली शिया लेड है और जो पूरा गल्फ रीजन है मेजरली वो सुन्नी लेड है सुन्नी पॉपुलेशन का जो है वो सऊदी अरेबिया यूएई कतर बहरेन एक्सेट्रा उन लोग है वो लीड करते हैं जीसीसी को तो यमन में जो गवर्नमेंट था वो सुन्नी लेकिन जो यूथी थे वो एक तरह से था पॉपुलेशन का ज्यादा एशिया का तो जो लॉन्गर जो एस्पिरेशन रहा है जो ईरान का लॉन्ग टर्म रहा है वो है कि शिया पॉपुलेशन को आप एक तरह से लीडरशिप रोल जैसा दिखता है अपने आप को तो इसलिए कहीं पर भी जहां पर सुन्नी और सिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पर ईरान का रोल रहता है कहीं तो पर भी आप देखोगे एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कर रहे तो फिर सीरिया में भी इराक में इराक में पहले जो सद्दाम हुसैन था वो सुन्नी माइनॉरिटी पॉपुलेशन के हेड थे लेकिन जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था वो सिया था तो इसलिए फिर वहां क्राइसिस सीरिया में वही चीज प्रॉब्लम यमन में भी प्रॉब्लम लेबनन में भी वही प्रॉब्लम तो ये ईरान का है। बढ़ाते है, बढ़ाते जाया, जाया, और वो दिखाना चाह रहा है, जो, जो है सिस्टम दे आर प्रो इसल एक तरह से डायरेक्टली नहीं लेकिन इन, इनडायरेक्टली तो वो चाहता है कि एंटी इजराइल उठाए और शिया पॉपुलेशन को रैली अप करे उससे जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो उनका जो सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा इसलिए

1973, hamas has struck, resulting in a widening trail of disruption and destruction. the latest arab-israeli conflict poses a significant threat to regional stability and global peace, which is bound to impact the global economy. so there's a bigger threat to global economy now as a result of the attacks by even iranian-backed yemen saudi militants on the red sea route. so a widening conflict or Joe global major bigger threat.

ये हमने इन डिटेल बात करी थी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड इवन आफ्टर दिस इम्प्लीमेंटेशन भी मतलब ये पहले से वर्क कर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस तो ऑल द तो, जो इंटीग्रेशन आधार का विद मेनी स्कीम्स इट हेज फिल्ड द गैप्स इन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स इट इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज कॉशन वेन मेकिंग आधार सीडिंग मैंडेटरी तो के है केवाईसी करने के लिए जैसे बात हो रही है कि पैन और आधार को कनेक्ट कर दो वैसे आधार सीडिंग मैंडेटरी हो गया कि आप उसको हर एक मनरेगा कार्ड मिलेगा उसमें आप पीछे में बैकिंग जो होगा आधार का होगा तो सीडिंग होगी

तो जो चैलेंज है ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द बेनिफिशरीज दिस इज ऑल्सो इन द चैलेंजेस एंड केसेस ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन है स्पॉट लाइट ऑन गवर्नमेंट एंड द गवर्नर सो रिलस टू एक्ट इन तमिलनाडु ये कि गवर्नर के लिए टर्म यूज की जा रही है और जब हम बात करते हैं कलेक्टिवली रिजोल दिस इशू तो वहां पे भी हम रिल्स की बात कर सकते हैं तो इशू हम डिस्कस कर चुके हैं कौन से एरियाज में कल ही हमने इसको इन डिटेल बात करी थी एक तो पेंडिंग जो बिल्स हैं एंडिंग दो बिल्स टू फॉर द प्रेजिडेंट्स असेंट एंड इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर वो भी एक गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में एक इशू है एंड यहाँ पे हैश यूज किए जा रहे हैं सो टूटी कॉर इन मैसेकर जो मतलब पुलिस ने आ, एक शूट कर दिया था यूज दैट एंड आई थिंक पीपल डाइड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट तो इसलिए टूटी कॉर इन मैसेकर टर्म यूज़ किया जा रहा है

तो लोकल पीपल स्टार्टेड टू एजिटेट अगेंस्ट दिस उसके बाद तो फिर वहां के जो डीजीपी और सीएम थे उसके बाद से फिर वेदांता कॉपर बंद हो गया प्लांट और इंडिया फिर एक तरह से नेट इम्पोर्टर बन गया कॉपर का तो लोग ऐसा एलज करते कि इट वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द इंडियाज एडवेरी जो है कंट्री ठीक है एलिगेशन लेकिन हाँ अगर लेकिन हम लेकिन पॉलिटिकल हाँ आई वाज़ आस्किंग कि पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी की हम बात करें तमिलनाडु में तो डीएमके और एआईडीएमके आई डी एम के द्रविड खसगम तो दे प्रमोट द्रविडियनिज्म मतलब द्रविडियन लैंग्वेज और जो कल्चर है उसको वो आगे रखते हैं हमेशा

नेशनल इंटीग्रेशन थोड़ा बीजेपी साइड भी है और अगर मैं बोलूंगा आसान सिंपल लैंग्वेज में और DMK जैसे भी है सोशल जस्टिस वाले जो पार्ट होता है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे जेडीयू और जेडीयू और दूसरा आरजेडी वैसे ही एक तरह से वहां पर जेडी थोड़ा सॉफ्ट वर्जन है आरजेडी के आइडियोलॉजी आर आरजेडी वाले है कि बैकवर्ड क्लास को प्रमोट करना

सब जो चीज डीएमके वो के भी करेगा बस फर्क है कि थोड़ा ज्यादा लेफ्ट है, से। है। से तो वो थोड़ा ओके। तो जो बीजेपी, का, है, एक कर दूंगा। बीजेपी हाँ। का जब भी बनेगा कोल्यूशन डीएमके से नहीं बनेगा हाँ। तब ऑटोमेटिकली नेचुरल कोल्यूशन किसके साथ रहेगा साथ और जो कांग्रेस करेगा वो नेचुरल कोल्यूशन किसके साथ रहेगा डीएमके होगी हाँ। डीएमके होगा तो ये Okay, we can continue in the next part now. we short of time.